मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर वे आगे इनकी सरकार बनाकर इनको अपना ये जो भी पिछला चुनाव हुआ मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसे में लेकिन फिर भी ये लोग फिर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे बीजेपी के लोग इनको गुमराह करने के लिए, ताकि ये वोट बीजेपी के पास बना रहे ब्राह्मण समाज का, फिर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को, फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है, और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपने सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे, और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे। देखिए, ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने कल सर्व दल बैठक ली थी, और सबसे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि कृपया इसको इस टाइम के सदन को बड़े शांति से चलने दें, वार्तालाप हो, सुने और सुनाएं, ये ना कि सिर्फ आप लोग वहाँ हल्ला करें और पार्लियामेंट के सदन को ना चलने दें। तो हम लोगों का प्रयास यही है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी का प्रयास यही है कि हम लोग वो सारे बिल के साथ चर्चा भी करेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुना जाएगा, लेकिन सदन से हाथ जोड़कर सबसे निवेदन किया जाएगा कि कृपया आप लोग सदन चलने दें, अपनी बात करें, अपनी बात वहाँ पटल पर रखें, शांतिपूर्वक करें। जो विरोध का हमको आभास आ रहा है कि विरोध करेंगे, ये करेंगे, सदन चलने नहीं देंगे, ये बहुत गलत बात है। टीएमसी के नेता आज खुद ही साइकिल रैली लेकर निकल चुके हैं और हंगामा पहले से ही शुरू हो चुका है। यही तो गलत बात है। देखिए, अभी देश का कोविड काल से प्रधानमंत्री जी ने इतनी तकलीफ से इस देश को बाहर निकाला, फ्री वैक्सीनेशन के बाद अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये लोग ये सारी देश विरोधी कार्रवाइयाँ देश को बढ़ते हुए क्यों नहीं देखना चाहते, हमको समझ में नहीं आता। ये आपका विरोध पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपका आपका देश से क्यों विरोध है? आप देश की तरक्की को, उनके ग्रोथ को रोक रहे हैं। एक अंतिम सवाल सर, मायावती जी ने कहा है कि ब्राह्मण जो है इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट नहीं करेगी, बीजेपी के बीएसपी के साथ है ब्राह्मण और बीएसपी ब्राह्मण का हित चाहती है, क्योंकि आप ब्राह्मण चेहरे, आप क्या कहना चाहेंगे और उत्तर प्रदेश? मैं आप लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं, जैसा कि कल कुछ लाचन हम सुने थे कि ब्राह्मण विरोधी पूज्य महाराज जी यूपी में हैं, तो मैं गोरखपुर उनकी सीट, उन्हीं की गद्दी, उसी नाथ संप्रदाय, वही मंदिर से मैं सांसद हूं, और मेरा पूरा नाम रवि किशन शुक्ला है। तो आप समझ सकते हैं, और ऐसे कितने मंत्री, कितने अध्यक्ष, कितने बड़े बड़े पद पर सारे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये लाछन और ये लालच और ये लालच का जो भी ये लॉलीपॉप मायावती जी आप दे रही हैं, ब्राह्मण इसमें नहीं उलझेगा। ब्राह्मण विकास में बिलीव करता है, ब्राह्मण साथ में लेके चलने, ब्राह्मण मांगता कुछ नहीं है, ब्राह्मण साथ में चलता है, ब्राह्मण ज्ञान के लिए जाना जाता है, ब्राह्मण लालच के लिए नहीं जाना जाता। तो कृपया मायावती जी या अखिलेश जी, आप लोग ब्राह्मणों को लालच ना दें, क्योंकि ब्राह्मण लालच में नहीं आता। ब्राह्मण समाज लालची समाज नहीं है, किसी प्रकार का लोभ प्रलोभ आप देंगे ब्राह्मण उलझेगा नहीं। ब्राह्मण भारत को तरक्की देखना चाहता है, ब्राह्मण विकास में बिलीव करता है, इसीलिए ब्राह्मण, उसीलिए कहा जाता है ब्राह्मण, वो स्वार्थी नहीं होता, वो निस्वार्थ होता है,
जाता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। जहाँ स्वार्थ आता है ब्राह्मण में, वो ब्राह्मण नहीं होता। तो आप लोगों का ये वाला हथकंडा नहीं चलेगा, वो एक बार चल गया मायावती जी, अब नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी यशस्वी पूज्य महाराज जी के चेहरे पर, नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बना रही है। ये आप लोग हमसे लिखित ले लीजिए। जय हो।